हाय फ्रेंड्स, आज हम बैंगन का भरता बनाने जा रहे हैं। इसके लिए हमने दो बड़े बैंगन लिए हैं, चार प्याज लिए हैं, 10-12 लहसुन की कुल्ली है, 5 ग्राम पुदीना, 10 ग्राम धनिया है और 15 हरी मिर्च और 1 नींबू का रस। गैस ऑन कर दिया है। अब इसके ऊपर हम बैंगन सीखने के लिए रख देते हैं इस तरीके से। 10 मिनट तक इसी आँच में हम सीखने देंगे। अब हम इसको इस तरीके से पलट देते हैं। ऐसे में इसको पलट पलट के पकाते रहेंगे। जब इस तरह से सिक जाएगा, गैस की वो कम मिडल ही रखेंगे। हमारे बैंगन सिक गए हैं। अब हम इनकी स्किन निकाल लेते हैं, गैस को बंद कर इस तरीके से। बैंगन को छील के तैयार कर लिए हमने। प्याज बारीक काट लिए, हरी मिर्च बारीक काट ली और इसको कूट लिया लहसुन को। हमने ये वाला चम्मच तेल डाल दिया। अब इसके अंदर हम थोड़ा जीरा ऐड करें। जीरा भुन गया हमारा। अब इसके अंदर हम प्याज ऐड करें। दो मिनट के लिए हम प्याज को भुनने देंगे मिडिल आँच में। प्याज को हमने हल्का सा भून लिया। अब इसके अंदर हम हरी मिर्ची ऐड करेंगे, लहसुन ऐड करेंगे, मसाला ऐड करेंगे, 1 चम्मच नमक और 2 चम्मच मिर्ची और आधी से कम हल्दी। अब इसके अंदर हम बैंगन ऐड कर बैंगन का पेस्ट ऐड करते हैं। मसाले को इस तरह से मिला लिया। अब 2 मिनट के लिए हम धीमी आंच में इसको पकाएंगे। 2 मिनट हो गए हैं। अब इसके अंदर हम नींबू का रस ऐड करेंगे। अब इसे धीमी आंच में 1 मिनट और पकाएंगे। 1 मिनट हो गया। अब हमारा बैंगन का भरता बनके तैयार हो गया। अब इसके अंदर हम धनिया ऐड करेंगे। गैस को फ्लो बंद कर देंगे।